हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको उन लोगों के बारे में जानकारी देना है जिन्होंने अपने साहसिक कामों से विश्व में एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कई देशों की यात्राएं की, साथ ही अमेरिका और स्पेन जैसे बड़े राष्ट्रों की खोज की। उस व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का जन्म 31 अक्टूबर सन 1491 में इटली के एक शहर रिपब्लिक ऑफ जियोना में हुआ था। कोलंबस के पिता का नाम डोमेनिको कोलंबस था और उनकी माँ का नाम सुसाना फोंटेनेरोसा था। क्रिस्टोफर कोलंबस मुख्य रूप से एक रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधित थे जो समय इटली में बहुत प्रचलित था। आइए उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें बड़े कार्य करने और अपने नाम कमाने की बहुत इच्छा थी। कोलंबस भविष्यवाणी में विश्वास करता था और वह मानता था कि वह पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर का रास्ता खोज सकता है। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को पोलास के तट से अपने पहले अभियान के लिए जहाज द्वारा रवाना हो गया। कोलंबस के साथ 40 नाविक भी थे। वह उसके साथीगण थे जिन्होंने यात्रा के दौरान कोलंबस का साथ दिया। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प बात यह हुई कि तेज हवाओं के कारण उनका बेड़ा हवाओं के साथ साथ बढ़ता गया। 33 दिन तक उनका बेड़ा आगे से आगे बढ़ता जा रहा था और उन्हें यह नहीं पता था कि वह किस दिशा में जा रहे हैं, और साथ ही उनको तट के दर्शन भी नहीं हुए। आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें एक जमीन दिखाई दी। कोलंबस ने इसे भारत समझा, परंतु वह गुआनाहानी द्वीप था। कोलंबस और उनके साथियों का वहां रहने वाले अराविक लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और उनके साथ खाना बांटकर खाया। वे लोग इतने सीधे थे वे लोग कोलंबस और उनके साथियों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। इससे ही हम ये कह सकते हैं कि कोलंबस द्वारा स्पेन की खोज थी। कोलंबस और उनके साथियों की वापसी यात्रा कठिन साबित हुई क्योंकि उनके समक्ष कई सारी समस्याएं आ खड़ी हुई। पहली तो ये कि नाव में दीमक लग गए थे और नाविकों को उनके घर की याद सताने लगी थी। इस कुल यात्रा में उन्हें 32 हफ्ते यानी 8 महीने का समय लगा। जब वे लोग कोलंबस और उनके साथी इटली आए तो इटली के लोगों ने उनका स्वागत किया। आगे चलकर उन्होंने ऐसी 3 यात्राएं और की जिसमें कोलंबस ने ग्रेटर एंटलिस, साउथ अमेरिका और इसके आसपास के क्षेत्रों की खोज की। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है, पर कोलंबस की याद में पूरे अमेरिका में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिण अमेरिका में एक कोलंबिया नामक देश का नामकरण किया गया, जिन इलाकों में कोलंबस गया भी नहीं था। दोस्तों, ये थी कोलंबस से संबंधित कुछ घटनाएं और उनके जीवन के बारे में। आने वाले एपिसोड्स में ऐसी ही बायोग्राफी से संबंधित वीडियोस ला